दीपक ताल देखने के बाद ना आगे का सफर शुरू करते हैं और आपका स्वागत करते हैं दोस्तों इस फ्लोक में। दीपक ताल के बाद हम सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिंगजिंग वाटर क्रॉसिंग एरिया पार करेंगे, सूरज ताल देखेंगे और बारा लाचा दर्रा पार करेंगे दोस्तों। ये जिंगजिंग वाटर क्रॉसिंग एरिया है, यहाँ पर सड़कें थोड़ी ख़राब हैं और सड़कों पर बर्फ़ पिघलने से पानी भर जाता है। जून जुलाई के महीने में धूप तेज होने के कारण सड़कें पानी से भर जाती है और रास्ते को पार करना एक चुनौती बन जाता है। इन महीनों में ना इस रास्ते को जल्दी सुबह या रात को पार करना आसान होता है क्योंकि उस समय सड़क पर पानी थोड़ा कम होता है। दोस्तों अभी ना पानी की मात्रा काफ़ी कम है सड़क पर, तो इसीलिए हम इस सड़क को ना आसानी से पार कर सके। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता है तो और भी सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे दोस्तों। ये जिंगजिंग अपर एरिया है, ये भी थोड़ा ना डेंजर एरिया है। यहाँ पर पहाड़ खिसक जाते हैं और मलबा सड़क पर आ जाता है। हालांकि ना सड़क के आसपास ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपको काफ़ी सुंदर व्यू भी दिखाई देंगे, काफ़ी सुंदर घाटियाँ नज़र आएगी आपको यहाँ पर। मनाली से लेके सफ़र में ना आपको ज़्यादातर ऐसी ही दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल मिलेंगे।
दोस्तों, बर्फ के जो पहाड़ हमें दूर से दिखाई दे रहे थे, हम उनके पास आ चुके हैं और बर्फ हमें सड़क के आसपास भी दिखाई देने लगी है और यहाँ पर काफी ठंड भी महसूस होने लगी है। सूरत तालसेना हम 1-1.5 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पर सड़कें थोड़ी खराब है, हालांकि ना सड़कों का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों, अभी है ना हम मनाली से लगभग ना 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हम सूरज ताल पर रुके हुए हैं। व्यू ना काफी सुंदर आ रहे हैं, लेकिन व्यू के साथ साथ ना हमें थोड़ी परेशानी भी हो रही है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफी कम हो चुका है, हमें महसूस होने लगा है। और आप ना मेरी आवाज भी थोड़ा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो थोड़ा अलग ही आ रही होगी। और अभी मैं बता दूं, बोलते बोलते भी थोड़ा थक रहा हूँ, क्योंकि ये ना ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुका है। और यहाँ पर ना वैसे काफी सुंदर व्यू आपको दिखाई देंगे। और अभी
दोस्तों हम बारा लाचा दर्रा के पास में हैं, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये दर्रा ना सूरज गाल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मनाली से लेह लद्दाख बर्फ देखने जा रहे हैं तो बारा लाचा दर्रा पर्वत श्रृंखला से ज्यादा बर्फ आपको किसी दर्रे पर नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए ना बारा लाचा दर्रा पर सभी टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। बारा लाचा दर्रा पर्वत श्रृंखला ना 8 किलोमीटर फैली है। ये पर्वत श्रृंखला हिमाचल के लाहौल जिले को लद्दाख से जोड़ती है। दोस्तों जैसे जैसे हम सफर में आगे जा रहे हैं, हमें अब ऑक्सीजन लेवल कम महसूस हो रहा और थकान होने लगी है। अगर आप भी ना लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं, फैमिली में छोटे बच्चे हैं, तो मेडिसिन छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लाना ना भूले, क्योंकि आपको भी यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अपना ये व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में फिर आप सबसे मिलते हैं दोस्तों।